रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा है कि लास्ट ईयर की अपनी यूरोप ट्रिप पे एक 600 साल पुराने इटालियन होटल में एक पेंटिंग को देखकर सुशांत बहुत डर गया था, उसको हेलुसिनेशंस होने लगे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने इस पेंटिंग के बारे में पता किया तो पाया कि कोई भी इंसान जो आर्ट की समझ रखता हो वो इस पेंटिंग से डर सकता है। सैटर्न डिवोरिंग हिज सन इस पेंटिंग का नाम है। स्पैनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया के मरने के बाद उनके घर की दीवारों पर बहुत सारी हॉरर पेंटिंग्स बनी हुई मिली, जिनको की ब्लैक पेंटिंग्स भी कहा जाता है। ये पेंटिंग उन्हीं में से एक है। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में गोया ने खुद को अपने घर में कैद कर लिया था और कलरफुल पेंटिंग्स बनाना बंद करके बहुत सारी हॉरर पेंटिंग्स बनाई। अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने किसी को भी ये पेंटिंग्स देखने की इजाजत नहीं दी। इस पेंटिंग में उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी की उस स्टोरी को दर्शाया है जिसमें सैटर्न, जो कि एक टाइटन था, अपनी रानी जिसका नाम रिया था, से पैदा होने वाली हर एक औलाद को कच्चा खा जाता था। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी रानी रिया की कोख से पैदा होने वाला ही एक बच्चा उसे हराकर उसकी सत्ता पे कब्जा कर लेगा। आखिर में रानी रिया ने अपने एक बच्चे ज़ूस को सैटर्न से छुपाकर जिंदा रखा और बड़ा होकर उसी ने अपने बाप को मार डाला और टाइटंस का शासन खत्म किया। ये कहानी हिंदू माइथोलॉजी में भगवान कृष्ण की कहानी से मेल खाती है और यही तो प्राचीन माइथोलॉजीज की खासियत है। पूरी दुनिया में बहुत सी कहानियों के अलग अलग वर्जन पाए जाते हैं। वापस पेंटिंग पर आते हैं। नेपोलियन के स्पेन पर आक्रमण करने के बाद स्पेन की सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। चारों तरफ गरीबी और बीमारी फैली हुई थी। उस वक्त तक गोया बूढ़े हो चुके थे और अपने देश को इस हालत में देखकर ही शायद उनकी कला ने ये भयानक मोड़ लिया हो। सैटर्न की ओरिजिनल कहानी में कहा गया है कि वो अपने बच्चों को पूरा निगलता था, लेकिन गोया ने इस पेंटिंग में सैटर्न को किसी अंधेरी गुफा के एक कोने में अपने बच्चे को एक भूखे जानवर के जैसे चबाकर खाते हुए दिखाया है। ऊपर से ये पेंटिंग मिली भी तो गोया के डाइनिंग रूम की दीवार पर। इस पेंटिंग का असली मतलब क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि गोया ने ये पेंटिंग किसी को नहीं दिखाई और शायद किसी के देखने के लिए बनाई भी नहीं थी। सुशांत अगर इस पेंटिंग को देखकर डर गया था तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसको आर्ट की समझ थी। आर्ट बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है और बहुत ही सब्जेक्टिव है। एक्चुअली एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो भी सारी चीजें अवेलेबल है वो सबको आप छोड़ के कुछ नया फ्रेश बनाते हो, तो वो मेरे हिसाब से आर्ट। इस पेंटिंग को देखकर शायद उसने वो महसूस किया जो इसे बनाते वक्त गोया ने महसूस किया था। आर्ट का यही पर्पस है और एक अच्छे आर्टिस्ट की यही तो जीत है।